चक दे टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं सुख पट्टीवाल लैके हाजिर हाँ देश विदेश दीआं ताज़ा तरीन खबरां। आओ एक नज़र मारदे हां सुरखियां वल। मोदी ने पंजाब नूं लैके लिया एक होर वड्डा फैसला, सब होए हैरान परेशान, किसानां पाईआं लांतां। सुखबीर बादल दा कैप्टन अमरिंदर ते तिखा वार, दत्ता वड्डा बयान, खोले वड्डे राज़। लुधियाणा च कांग्रसी लीडर दी गुंडागर्दी, शरेआम कीती लोकां नाल गाली गलोच, भड़के लोकां ने चुके अहम कदम। वड्डा खुलासा, कैप्टन अमरिंदर निकले बीजेपी दे मुख्यमंत्री, सिमरजीत बैंस ने दिता हैरानीजनक बयान। कैप्टन नूं मिली चेतावनी, आई कुर्सी खतरे च, लोकां ने गुस्से च आ लिया वड्डा फैसला। कैप्टन सरकार दी करतूत स्कीम दे नां ते मारी खजाने चो ठगी, लोक परेशान, गरीबां नाल कीता धोखा। हुण खबरां विस्तार नाल। देश च हड़ां दी स्थिति नाल निजिठण लई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दी अगवाही हेठ दिल्ली च उच्च पद्धरी मीटिंग हुई। इस मीटिंग च पंजाब नूं छड्ड कई होर सूबिआं च हड़ां दा जायजा लैण लई टीमां भेजण दा ऐलान कीता गया। इस तों मोदी सरकार दा पंजाब दे नाल वितकरा साफ नज़र आ जांदा। पंजाब च भारी बारिश होने तो बाद भाखड़ा डैम तो पानी छड़िया गया, जिस कारण पंजाब दे कई इलाके बुरी तरह प्रभावित हो चुके ने। पानी ने किसानां दी फसल, लोकां दे घरां नूं बुरी तरह तहस नहस कर दिता, जिस कारण ओह काफी परेशान ने ते सरकार तो मदद दी गुहार लगा रहे ने। पर केंद्र सरकार दे रवैये नूं वेखदिआं लगदा है कि पंजाब नूं हड़ां नाल नजिठण लई केंद्रीय फंड मिलने औखे ने। मिलियां मीडिया रिपोर्टां मुताबिक बुधवार नूं देश च हड़ां दी स्थिति नाल नजिठण लई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दी अगवाई हेठ दिल्ली च उच्च पद्धरी मीटिंग हुई। इस मीटिंग च पंजाब नूं छड्ड के असम, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका ते केरला च हड़ां दा जायजा लैण लई टीमां भेजण दा ऐलान कीता गया। इस तों साफ जाहिर हुंदा है कि मोदी ने हड़ मारे पंजाब नाल वितकरा कीता। इत्थे यह भी दसनयोग है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार नूं 1700 करोड़ रुपए ते नुकसान की सूची भेजदिआं हड़ प्रभावित पंजाब लई 1000 करोड़ रुपए वाधू मंगे सन। इस बारे कैप्टन ने कहा कि केंद्र मदद करे चाहे ना करे, पर ओह हड़ प्रभावित लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। उन्हों का कहना है कि सरकार राहत कार्यों में जुटी हुई है। इतने दिलचस्प गल यह है कि इस तो पहला मंगलवार को केंद्र सरकार ने बाकी राज्यों के नाल नाल पंजाब च भी बचाव दे राहत सहायता भेजन के आदेश दिते सी, जिस तो एक दिन बाद पंजाब नूं सूची तो बाहर कर दिता गया। इस गल ने सारे पंजाबियों के दिल च मोदी लई नफरत पैदा कर दिती है। इस ते हुण विरोधियों वल्लों भी मोदी सरकार नूं भंडिया जा रहा है कि मोदी सरकार ने हड़ प्रभावित पंजाब नूं भुल पंजाब नाल वितकरा कीता। सुखबीर बादल दा दावा है कि कैप्टन सरकार ने मोदी सरकार तो सही ढंग नाल हड़ां दी राहत राशि नहीं मंगी। उन्होंने कहा कि हले तक कैप्टन सरकार ने मोदी सरकार नूं प्रपोजल बना के ही नहीं भेजी, तो मदद कित्थों मिलेगी। केंद्रीय सरकार वालों राहत राशि प्राप्त करने वाले 10 सूबियां दी सूची च पंजाब नूं ना रखन ते भी बादल साहब ने कैप्टन नूं ही दोषी ठहराया। जदों तो पंजाब दे कई इलाकों च हड़ आया है, किसानों दियां फसलां लोकां दे घर उजड़ गए, जिसके चलते कैप्टन सरकार ने मोदी सरकार तो हड़ा लई 1700 करोड़ रुपए की राहत राशि की मांग की है। पर मोदी सरकार ने पंजाब नूं छड़ के बाकी सारे हड़ पीड़ित सूबियां नूं राहत देने की गल कही है, जिसके चलते मोदी सरकार ते विरोधियों वालों काफी तिखे वार किए जा रहे हैं। पर हुण सुखबीर सिंह बादल मोदी के हक च उतर आए ने। फिरोजपुर तो लोक सभा मैंबर ते श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर बादल ने दावा किया है कि कैप्टन सरकार ने मोदी सरकार तो सही ढंग नाल हड़ा लई राहत राशि की मांग नहीं की। उन्होंने कहा कि हाल तक कैप्टन सरकार ने मोदी सरकार नूं प्रपोजल बना के भेजा ही नहीं, मदद कित्थों मिलेगी। केंद्र सरकार वालों राहत राशि प्राप्त करने वाले 10 सूबे की सूची च पंजाब नूं ना रखन ते कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी कोल हड़ दे खराबे ते नुकसान की पूरी जानकारी सही ढंग नाल पेश नहीं की। इस प्रपोजल तो बगैर केंद्र सरकार मदद किवें करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ बयानबाजी कर रहे ने, पर इत्थे
सवाल यही उठता है कि जिन्हां लोकां ने अपने फायदे लिए इन्हां सरकारां नूं बनाया है उही सरकारां साडे नाल धोखा कर रही ने। जेकर कैप्टन ने मोदी सरकार नूं हले तक प्रपोजल बना के ही नहीं भेजा तां इह कैप्टन सरकार वल्लों पंजाब नाल कीता गया वड्डा धोखा है। ते जेकर कैप्टन सरकार ने मोदी सरकार नूं लिस्ट बना के राहत राशि मंगी है तां मोदी सरकार ने उस वल ध्यान नहीं दिता तां इह मोदी सरकार वल्लों पंजाब नाल कीता गया वड्डा धोखा है। धोखा एक ने किया जा दोवां ने इह तां लोकां नूं आउण वाला समा ही दसेगा। फिलहाल केंद्र वल्लों हड़ पीड़ितां नूं सहायता नहीं मिलदी नजर आ रही है। बुड्ढा नाला शुरू तो ही सुर्खियां च बनिया होया ते हुण इस नाले दे गंदे पानी ने जो तबाही लुधियाने च मचाई आ उसने एक बार फिर सियासत नूं नवां मोड़ दे दिता। जिसके चलद यूथ अकाली दल वालों जिला प्रधान गुरदीप सिंह गोशा की अगवाई शिवपुरी सड़क से इकट्ठे हुए पानी को ड्रमा च भर के उन्होंने कांग्रेस के उत्तरी विधानसभा खेत्र के विधायक राकेश पांडे के दफ्तर सामने सुट दिता। बेशक पंजाब च बारिश घट गई है ते मिली मौसम विभाग वालों चेतावनी का समा भी लंघ चुकिया पर लोगों दी मुश्किलां घटन का ना नहीं लै रही। पंजाब दियां अलग अलग थावां ते भारी बारिश कारण पानी भर चुका है जिस कारण लोकां नूं काफी परेशानी का सामना करना पै रहा है। जिथे किसानां नूं अपनी फसल ते लोकां नूं अपने घरां तों बेघर होना पिया। इस कुदरती करोपी का शिकार लुधियाने का कुछ हिस्सा भी होया। जी हाँ, लुधियाने च बुड्ढे नाले का पानी शिवपुरी इलाके च आउंदे चलदे जिथे लोग परेशान ने उत्थे इस मुद्दे ते सियासत भी लगातार जारी है। बुड्ढा नाला पहला ही सुर्खियां का विशा बनिया होया है ते हुण इस नाले दे गंदे पानी ने जो तबाही लुधियाना च मचाई है उसने सियासत होर भी पखा दिती है। जिदे चलदे यूथ अकाली दल वालों जिला प्रधान गुरदीप सिंह गोशा की अगवाई च शिवपुरी च सड़क ते इकट्ठे पानी नूं ड्रमा च भर के उन्हां नूं कांग्रेस दे उत्तरी विधानसभा खेतर दे विधायक राकेश पांडे दे दफ्तर अगे सुट दिता। देखो कुछ तस्वीरां। पूरे मोहल्ले वासियों के साथ जगाने के लिए पानी काला पड़ा है। इस मौके गोशा ने कहा कि कुछ लोगों के नाल बसलूकी करने वाले विधायक नूं यह पानी असी भेट कर रहे हैं। उन्होंने नगर निगम उत्ते असफल होने के इल्जाम भी लगाए। नाल ही गोशा ने इस मौके विधायक राकेश पांडे ते कई होर गंभीर दोष लगाए। लोकां वल्लों ते अकाली वर्करां वल्लों विधायक साहब ते इह इल्जाम भी लगाया गया कि लोकां ने जदों उन्हां नूं अपनी परेशानी दसनी चाही तां विधायक साहब ने लोकां नाल गाली गलोच कीता ते मुश्किल हल करन दी बजाय बदसलूकी कर तुरदे बने। अज रोस परदे ने कोशिश की जिदा जंगल च अग लगी हुंदी चिड़ी बुझाण जांदी है ना चुंझ भर के, ते साडी इक कोशिश है पर MLA साहब इत्थे आए पांडे साहब गालां कढ के चले गए लोगों को मिसबिहेव किया। देखो कितनी माड़ी गल है, 30 साल के MLA हुण 6 बार MLA बने हुण कितनी लियाकत होनी चाहिए आ, पर उन्होंने लियाकत जी लोग प्रॉब्लम च आ उन्होंने प्रॉब्लम का हल करना चाहिए पर असी एक कोशिश की वह तो सिर्फ मैने मुआयना करके चले जाते असी पानी कढ़ के उन्होंने गिफ्ट कर चले क्योंकि गरीब का बच्चा बीमार हो रहा, गरीब के बच्चे ना आ रहे हैं। गरीब की कोई सरकार नहीं, अमीरा की सरकार है। जे अच्छे MLA हो तो इलाज बच्चों का इलाज या अपना इलाज बाहर जाके करा लूगा, चंगे अस्पताल करो, गरीब की करे। अज लोग दुकाना बंद करके बैठे अज कढ़न की कोशिश की है तो यूथ अकाली दल टीम महल्ले वासियों रल के एक छोटी जी शुरुआत की, उम्मीद करते हैं सरकार जागूगी इस। देखो पांडे साहब के जो जो कल उत्थे मिसबिहेव किया अज सोशल मीडिया से मीडिया के कितनी चर्चा हो रही है, उन्होंने इज्जत नहीं हो रही। उन्होंने यह सोचना चाहिए भी इन्ने सीनियर बंदे इदा की गल नहीं करनी चाहिए। लोगों के काम वास्ते जे जे 6 बार बन के MLA काम नहीं कर सकता फिर घर बह के इस्तीफा देना चाहिए, धरने ना लाने आप इस्तीफा दे दें, उन्होंने सरकार से आप क्यों धरने लाते हैं इस्तीफा देन। उधर विधायक पांडे साहब इस गल तो साफ मुकरदे नजर आए ते कहा कि मैनू किसे गल दा पता नहीं, मैनू कोई मिलन नहीं आया। विधायक जी ने अपनी पूरी गलती लुकाउण लई सारा भांडा कुदरती आफत दे सिर भन दिता। देखो ये मैनू कोई भी किसी भी पार्टी का नुमाइंदा नहीं मिलन आया, मैं नहीं पता किस गल दा किस बंदे दा किस गल दा रोष हैगा वा। कोई आदमी आके मिलदा गल करदा तो मैं उसकी समस्या नूं सुणदा तो मैं उसनूं हल करन दी कोशिश करदा। नहीं विरोध किसी गल का नहीं होया है, ठीक है वो एक कुदरती आफत आई हैगी है, मुश्किल हैगी सारियां नूं ही। ईवन मेरी घर दे साइड दे आप कह लो जिते मेरी रहायश है उत्थे भी हालांकि इन्ना ज़्यादा नहीं आया है पर फिर भी मुश्किल तो उत्थे भी हैगी है, कुदरती आफत दे विच तां सारियां नूं मुश्किल आई हैगी है।
सरकार किसी तो फंड नहीं लै रही, सरकार आपके कोलों खर्चा कर रही है जो भी है, फंड किसी को प्रॉपर नहीं मिले। हाँ एक साढ़े पुराने टाइम तो जो पिछली सरकार से अकाली दल और बीजेपी की तो मनीष तिवाड़ी जी ने फंड लैके आते डॉक्टर मनमोहन सिंह होना को और उन्होंने उस फंड का मैं बकायदा असैम्बली के जवाब भी पूछे सी पर बादल सरकार ने कोई मैं उस गल का जवाब नहीं दिता अज तक कि वह फंड कितने गया कितने नहीं गया। प्रयास पूरे हो रहे हूँ, पहला पानी थोड़ा जहा उतरे तो असं बाकी इंतजाम सारा सफाई का और दूसरी चीज़ों का करिए। सीएमओ ने भी उन्होंने कह के अड़े भी टीम भेजन वो अपनी जिते कि कमी हैगी तो उस चीज़ को पूरा किया जाए, लोगों को दवाई वगैरह दी जाए। बीते दिन बैंस भरावा वालों लुधियाना एक प्रैस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया गया कि सारे पंजाब हमायती एक नवी पार्टी खड़ी कर जा रहे हैं जिस पंजाब के हकों की गल कर वाली सारिया पार्टियां एक चोन निशान एक प्रधान की देखरेख पंजाब के लोगों मैदान च उतरनगियां। इस मौके बैंस ने कैप्टन से वार करदिया कहा कि जिस प्रकार कैप्टन मोदी साहब के इशारों से नच रहे हैं इस तो लगता है कि वह बीजेपी के मुख्यमंत्री ने। जिस प्रकार कैप्टन अमरिंदर सिंह मोदी साहब के इशारों का पालन करते हैं उस तो यह लगता है कि वह बीजेपी के मुख्यमंत्री ने। यह कहना है पंजाब लैवल की पार्टी लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस का। बीते दिन बैंस भरावान वालों लुधियाना एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई जिसका मुख्य कारण से नवी पार्टी का ऐलान करना। जी हाँ, प्रैस कॉन्फ्रेंस में संबोधित करदे सिमरजीत ने जानकारी दी कि लोग कांग्रेस के अकाली दल तो तंग आ चुके हैं जिसके चलद सारे पंजाब हिमायती एक पार्टी खड़ी कर जा रहे हैं जिस पंजाब के हकों की गल कर वाली सारिया पार्टियां एक चोन निशान से एक प्रधान की देखरेख पंजाब के लोगों ने मैदान च उतरनगिया। बैंस ने दसाया कि इसलिए एक 7 मैंबरी कौ कमेटी का गठन भी किया गया है। पिछले लंबे अरसे तो पंजाब 10 साल अकाली दल बीजेपी की सरकार लुट माफिया बेतहाशा साढ़े संसाधनों की लुट एंड उस तो बाद ने अकाली दल बीजेपी तो लुट मार तो सत्या होया ने कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह 77 MLA 77 MLA बना के सरकार दी। 2.5 साल का अरसा बीत गया तो हालात बदतर हो गए। हुण लोग कित्थे जाण, लोग सानू बड़े सवाल करते हैं जो असी पंजाब दे विच वख-वख शहरां पिंडां जिलियां च जाने हैं कि तुसी कट्ठे होवो, तुसी कट्ठे क्यों नहीं हुंदे, तुसी अलायंस बनाया, तुसी एक पार्टी बनाउंदे। सो अज असी पंजाब नहीं पूरी दुनिया च वसदे पंजाबियां दे जिहड़े सुझाव आ रहे आ, पंजाबियां दे जिहड़े सानू मैसेज आ रहे उहनां दे मद्देनज़र अज कोर कमेटी की मीटिंग दे विच एक फैसला लिया सी 7 मैंबरी कमेटी का गठन किया, तालमेल कमेटी, एक प्रधान, एक निशान ते एक विधान। मतलब कि जिन्नियां पंजाब के अंदर अकाली दल बीजेपी एंड कांग्रेस तो अलावा दूसरियां पंजाब हतैशी धिरां, पंजाब हतैशी संगठन, पंजाब हतैशी पार्टियां ते पंजाब के हतैशी शख्सियत लोग उन्हां सारियां नूं एक प्लेटफॉर्म ते इकट्ठे करन वास्ते संभावनावां दी तलाश करन वास्ते 7 मैंबरां दी एक तालमेल कमेटी का गठन किया तां जो एक प्रधान, एक विधान ते एक संविधान, मतलब कि एक पार्टी पंजाब के अंदर, निशान भी एक, संविधान भी एक ते प्रधान भी एक, तां जो इन्हां वड्डियां लुटेरा पार्टियां नूं इन्हां दी लुट नूं नकेल पाई जा सके। अज असीं इहदा गठन कीता। इस मौके भी बैंस ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते वार करदिआं इत्थों तक कह दिता कि जिस प्रकार कैप्टन अमरिंदर सिंह मोदी साहब दे इशारिआं दा पालन करदे होए नजर आ रहे ने उस तों इह लगदा है कि उह कांग्रेस दे नहीं बल्कि बीजेपी दे मुख्यमंत्री ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह तुसीं किते देखो जदों केंद्र दे मंत्रियां नूं जां प्रधानमंत्री साहब नूं मिलण जांदे आ उहनां दी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, उहनां दा चाल ढाल है, उहनूं लगदा हुंदा वी इह कांग्रेस दे मुख्यमंत्री नहीं गे, इह बीजेपी दे मुख्यमंत्री आ। जिस तरीके मोदी सरकार के इशारों का पालन करते हुए, सो कैप्टन अमरिंदर सिंह का कोई लगाव नहीं पंजाब दे नाल। जे कैप्टन अमरिंदर सिंह का लगाव हुंदा तो पंजाब के अंदर लूट माफिया नूं नकेल पई हुंदी। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कोई पंजाब की बेहतरी वास्ते उन्हां दा ध्यान नहीं हैगा, उन्हां दा ध्यान सिर्फ जो 10 साल बादलों का लुट माफिया से अज वह कैप्टन ते कांग्रेस का लुट माफिया काबज होया। सो कैप्टन का आपां इह आस रखणी भी वह हड़ पीड़ितां दे कोले जाणगे, वो कोई वड्डी राहत दा ऐलान करनगे, सब कुछ गलत कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़ा पंजाब दे नाल कर रहे। नाल ही उन्होंने कहा कि असीं हड़ पीड़ितां दी हर संभव कोशिश करांगे। मैं उही कह के हटा ना भी असीं हर संभव मदद जिहड़ी आ हड़ पीड़ित आ, चाहे वह गंदा नाला ओवरफ्लो हो गया बलीपुर खैरा बेट दे कोले, एक जगह गंदे नाले दा जिहड़ा बन सी ओह टुट गया,
मेरा ख्याल हंबड़ा तक कई सैकड़े एकड़ फसल जी तेजाबी पानी करके बर्बाद हो गई। असी जिन्ना साढ़े को वध तो वध हो सके असी जरूर सपोर्ट करा। गुरदासपुर च इंडियन फैडरेशन आफ ट्रेड यूनियन वालों उसारी किरतियां दियां लंबे समय तो लटकियां आ रही मंगां संबंधी डीसी दफ्तर बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके मजदूरों ने अपनी मंगां नूं अनदेखे करन कारण सरकार ते जिला प्रशासन खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने चेतावनी भी दी कि जे साडियां मंगां जल्दी ना मनिया गई तो साडा संघर्ष होर भी तेज हो जाएगा। जदों तो कैप्टन साहब मुख्यमंत्री दी कुर्सी ते विराजमान होए ने उस दिन तो ही लोग उन्हां दे कार्यकाल तो दुखी नजर आ रहे ने। बेशक लोगों ने अपनी मर्जी नाल उन्हां नूं इस कुर्सी ते बैठन लायक घोषित किया सी, पर फिर भी लोगों अनुसार कैप्टन ने लोगों नाल विश्वासघात किया, जिसका ही नतीजा है कि आए दिन कोई ना कोई उन्हां खिलाफ जंग बिड़ लैंदा है। जिथे आए दिन कैप्टन साहब के लीडरां दे कम्मां दी पोल खुल रही है, उसे लड़ी तहत हुण पोल खुली है कैप्टन सरकार द्वारा पिंड पिंड जाके लोकां दे अधूरे काम पूरे करन अते मजदूरां नाल कीते खिलवाड़ दी। जी हाँ, इंडियन फैडरेशन आफ ट्रेड यूनियन वालों सारी किरतियां दियां लंबे समय तो लटकदियां आ रही मंगां संबंधी डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर के दफ्तर बाहर धरना प्रदर्शन किया गया ते अपनियां मंगां नूं अनदेखे करन कारण सरकार ते जिला प्रशासन खिलाफ नारेबाजी की गई। देखो ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਗਸਤ 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਨਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 800 ਸਾਈਕਲ ਆਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਆ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਧਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਖੂਬ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕਟੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਪਿਛਲੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜੁਲਾਈ ਆਪਣੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਹੀਣਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪ ਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਸਾਥੀ ਉਸੇ ਹੀ
लुट का शिकार हो के बैठे हुए हैं कि अज भी अपने दो ढाई साल तो पैसे डिगन डे है। पंजाब के मुख्यमंत्री वालों शुरू की गई सरबत सेहत बीमा योजना की तरन तारण के सरकारी हस्पताल चो समय फूक निकलती नजर आई जदों लोगों को सेहत कार्ड बनाने लिए लुट का शिकार होना पड़ा। लोगों वालों इल्जाम लगाए गए हैं कि सिर्फ सिफारशी लोगों के ही कार्ड बनाए जाते हैं, पर दूजे पास सिविल सर्जन अनूप कुमार इस गल तो मुकरते नजर आए। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੱਕਰ ਲਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 43 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਕੀਮ ਦੀ ਫੂਕ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 50 ਕਾਰਡ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ 50 ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਡ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਡ ਮੁਫ਼ਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ 6-5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਗਾੜੀਆਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ 50-50 ਰੁਪਏ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ? ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ 40-40 ਤੋਂ ਕਾਰਡ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਡੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਬੰਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾੜੀਓ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਆਇਓ ਫੜ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮੁਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਸਬ ਰੀਜਨਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ 9 ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਸ CHCs ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਰ ਦੈਨ 300 ਕਾਰਡ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਟ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਮਿੱਤਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਮਿੱਤਰਾ ਨਾਮ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਬਣਾ, ਨਹੀਂ ਸਰ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਰੋਲਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣਨੇ, ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨਰੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ, ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਗਿਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੱਕ ਦੇ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।